दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको ग्रुप में भी डाला था, चालुक्य एंड पल्लव डायनेस्टी। इसके पहले हमने संगम पॉलिटी के बारे में आपको बताया था, उसी का अगला कड़ी है चालुक्य और पल्लव पॉलिटी या डायनेस्टीज। तो पहला फेज जो हमारा था वो था सेकंड सेंचुरी बीसी से लेके थर्ड सेंचुरी एडी तक, जिसके बारे में हमने संगम पॉलिटी के बारे में बताया था। ये डीप साउथ मतलब सुदूर दक्षिणी प्रदेशों में, जो आज की तारीख में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आंध्रा, साउथ आंध्रा रीजन कहेंगे, उसके बारे में हमने व्याख्या प्रस्तुत किया था। और इसके बाद हमने इंडो रोमन ट्रेड के बारे में भी बताया था, उसकी डिटेल व्याख्या हमने प्रस्तुत किया था कि उसके क्या इफेक्ट भारत के समाज पर और आर्थिक स्थिति पर क्या क्या पड़ा, उसके बारे में हमने बताया था। तो आज उसी कड़ी में मैंने चालुक्य और पल्लव पॉलिटी को लिया है, ताकि हम समझ सकें कि क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या चेंजेस दक्षिण भारत में इस पीरियड के दौरान हुए हैं। तो हमारा जो पीरियड है आज का, वो है चौथी शताब्दी से लेकर के आठवीं शताब्दी एडी तक का पीरियड है, और जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरह से चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी ने एक दूसरे के साथ में लगातार संघर्ष किया है और एक दूसरे से बदला लेने का भी कार्रवाई किया है फॉर देयर ऑन सुप्रीमेसी, कि हमारी सत्ता कृष्णा तुंगभद्रा, आप जानते होंगे कि कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है वो तुंगभद्रा है, और तुंगभद्रा और कृष्णा का बेल्ट जो है उसको बहुत ही फर्टाइल दुआब है, जिस तरह से अपना गंगा यमुना का दुआब है, उस पर सत्ता स्थापित करने के लिए 200 वर्षों तक इन दोनों डायनेस्टी ने, जो चालुक्य डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो था बादामी में, जिसको कि पहले बातापी बोलते थे। ये जो बादामी है वो कहाँ है, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, आज की तारीख में कर्नाटक स्टेट में है। और पल्लव डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो कांची में, कांची आप जानते हैं तमिलनाडु में है। तो दोनों डायनेस्टी के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ 200 वर्षों तक, और कभी चालुक्य पल्लव को हराते थे, कभी पल्लव चालुक्य को हराते थे, और इसी क्रम में दोनों की सत्ता समाप्त हो गई और उनके जो फ्यूड्यूटरीज थे, जो सामंत लोग थे, उन्होंने अधिकार हासिल कर लिया। जैसे कि चालुक्य डायनेस्टी के समाप्त होने पर उनके ही जो फ्यूड्यूटरी सामंत राष्ट्रकूटा, जो बाद में जिसको दंतीदुर्ग कहेंगे, जो फाउंडर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, उसने लास्ट चालुक्य किंग कीर्तिवर्धन सेकंड को हरा करके राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किया, जिसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रकूटा पाल और गुर्जर प्रतिहार, इनका जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, मैंने त्रिकोणीय मुकाबला, और वो भी 200 वर्षों तक चला, और उसका जो बेसिक रीजन था वो क्या था, पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि किसी तरह से कन्नौज पर कब्जा करना, और जानते हैं आप कन्नौज कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, मिडिल गंगेटिक बेसिन में है, तो उस पर कब्जा करना। ये तीनों मैंने इसके बाद का जो डायनेस्टी है वो तीनों डायनेस्टी मैंने पाल, राष्ट्र गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा, मैंने चालुक्य के बाद में जो जो किंगडम स्थापित हुआ, तो इन तीनों ने लगातार संघर्ष किया 200 वर्षों तक, और बाद में इन तीनों डायनेस्टी युद्ध लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए और बाद में राजपूतों का उदय हुआ। तो राजपूत डायनेस्टी या पॉलिटी के बारे में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसके बारे में भी उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो हम जो आज जो आपको जो लेक्चर दे रहे हैं, इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन राष्ट्रकूटा, गुर्जर प्रतिहार एंड
पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आज जो हम आपको आपके सामने में जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो है चालुक्य एंड पल्लव पॉलिटी। पॉलिटी मतलब दोस्तों शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का, जैसे कि हमारे पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा कि शासन व्यवस्था में दो भाग होते हैं। पहला होता है थ्योरी ऑफ किंगशिप, अर्थात जो राज्य का जो किया जाता है उसका सिद्धांत क्या है, राजा की सत्ता क्या है, क्या वो निरंकुश है, क्या डिवाइन ओरिजिन ऑफ थ्योरी में वो विश्वास करता है, या वो डेमोक्रेटिक है, माने उस जमाने में तो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता था, क्या नॉट एब्सोल्यूट है, मतलब उसको बहुत सारे सलाहकारों से परामर्श लेकर के राज का चलाना होता था। और दूसरा होता है स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में, शासन व्यवस्था में क्या क्या उसके स्वरूप थे, कौन कौन से अधिकारी किस किस काम के लिए नियुक्त थे। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे पॉलिटी, गुप्ता पॉलिटी, मॉडर्न पॉलिटी, राजपूत पॉलिटी, सल्तनत पॉलिटी, मुगल पॉलिटी, उसके बाद में ब्रिटिश हिस्ट्री में भी मैंने दो वीडियो बनाए हुए हैं, जिसको कि आप देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिटी और उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया पॉलिटी, जो 1857 से लेकर 1947 तक का उनका जो पीरियड था, तो उसको भी मैंने दो भाग में विभाजित किया था। तो इस आधार पर मैंने बहुत से पॉलिटी के बारे में वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको यूट्यूब पर देखिए। अब हम चलते हैं कि चालुक्य और पल्लव पॉलिटी के पीरियड के दौरान। ये पीरियड जो है वो 6वीं शताब्दी एडी से लेकर 8वीं शताब्दी एडी तक का पीरियड है। सिक्स्थ एडी टू 8th एडी, ये पीरियड, ये दोनों राजवंश का है, मतलब 200 वर्षों का। तो इसी पीरियड में हम आज अपने आप को सीमित रखेंगे। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप जानते हैं कि पहला फेज जो हमारा जो था, जो संगम पॉलिटी था, वो क्या था, 200 BC से लेकर के 300 AD तक का। अब जो हम ये पीरियड जो लेते हैं वो 6th century AD और 8th century AD के बीच का। वो क्यों, बीच में जो थोड़े से जो गैप हुए हैं, उसका रीज़न ये है कि संगम जो किंग थे, जो किंगडम्स थे, जैसे मैंने आपको पांड्या, चेरा और चोलास, ये जो इम्पॉर्टेंट किंगडम थे, और डेक्कान में मौर्यों के पतन के बाद में सातवाहन का रूल आया, उनका शासन व्यवस्था हो गया। तो सातवाहनों के डिक्लाइन के बाद या पतन के बाद में डेक्कान में और फार साउथ में, मतलब सुदूर दक्षिण में, बहुत सारे राजवंश, लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा राजवंश की स्थापना हुई, छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना हुई, और जिसमें से अधिकांश राजवंश के जो फाउंडर्स थे वो अपने आप को ब्राह्मिन्स कहते थे, कि हम, और वो पुरोहितों के द्वारा जेनियोलॉजिकल टेबल बना करके वो अपने आप को सिद्ध करते थे कि हमारे जो पूर्वज थे वो अयोध्या के वासी थे, या हमारे जो, हम जो हैं वो 16 डायनेस्टी के हैं, सूर्यवंशी हैं, या दूसरा कोई चंद्रवंशी कहता था, अन्य कोई अग्निवंशी कहता था। तो इस तरह से उन्होंने पुरोहितों के द्वारा जेनोलॉजिकल टेबल बनाया, वंशावली तैयार किया और अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया। और इस तरह से इस पीरियड के दौरान, मैंने सातवाहनों के डिक्लाइन के बाद में, हालांकि सातवाहन खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनके वंश के पतन होने के बाद में, और ये चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी के उदय होने के बीच का जो पीरियड है, उसमें लगभग 2 दर्जन से 3 दर्जन छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, और उसमें अधिकांश में जो फाउंडर्स थे वो अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया। तो एक समय तो ऐसा भी आया कि जिसमें कि ब्राह्मण डायनेस्टी लगभग पूरे हिंदुस्तान में 27 ब्राह्मण डायनेस्टी काम कर रहा था। हालांकि सभी ओरिजिनल ब्राह्मण नहीं थे, बहुत सारे ट्राइबल्स थे, बहुत सारे दूसरे जाति के भी थे, लेकिन इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश लेजिटिमेसी
अपने वंश के वैधता को स्थापित करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणिकल जेनोलॉजिकल टेबल तैयार किया, ताकि जनता के निगाह में उनका जो स्थान हो बहुत ही ऊंचा हो और लोग उन्हें रिस्पेक्ट के भाव से या आदर और सम्मान के साथ में सम्मान के साथ में व्यवहार कर सकें और उनकी राज सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सके। ये इसका बेसिक पर्पस था। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री कहानी नहीं होती है। हिस्ट्री में, इतिहास में देखना पड़ता है कि कब कब क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या कंटिन्यूटी रहे हैं और किस तरह से हमारा समाज कैसे कैसे परिस्थितियों से गुजरा है, ये जानना एक स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपको व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ लोगों को मेरी बातों से तकलीफ पहुँच सकता है, कुछ जो ऊंचे वर्ण के लोग हैं उनको दुख हो सकता है, लेकिन जो फैक्ट्स है, जो फिगर्स है, उसके बारे में बताना ज़रूरी है। इतिहास को कुचलना किसी भी हालत में ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास को कुचलना मतलब अपने आप को कुचलना है, ये ध्यान रखिए। तो हम जो बात कर रहे हैं वो टोटल फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात कर रहे हैं। और तो दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि छठी शताब्दी एडी और आठवीं शताब्दी के बीच में दो बड़े बड़े राजवंश दक्षिण भारत में और डेक्कान में स्थापित हुए। डेक्कान में चालुक्य डायनेस्टी स्थापित हुआ और फार साउथ में, मतलब मद्रास के आसपास, चेन्नई के आसपास, अब कांची है, तो वहाँ पर पल्लव डायनेस्टी स्थापित हुआ। बाद में पल्लव डायनेस्टी भी आठवीं शताब्दी में समाप्त हो गया और आदित्य चोला, जो मैं बाद के एक टॉपिक चोला पॉलिटी पर भी, जो जिनका जो शासन व्यवस्था आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं शताब्दी में रहा है और दक्षिण भारत के सबसे मजबूत राजवंश रहा है, जिन्होंने अपना झंडा साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के और नॉर्थ में गंगा तक अपना झंडा फहराया था, खास करके राजेंद्र चोला के द्वारा, राजराज चोला के द्वारा, तो उसके बारे में भी अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, क्योंकि उस पीरियड में मैरीटाइम एक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी और हमारा देश एक पावरफुल समुद्री शक्ति के रूप में उभरा था। तो चलिए, मैं अब वन बाय वन क्या क्या चेंजेज हुए हैं उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं। तो पहला जो पीरियड था, जो फर्स्ट फेज आप देख रहे हैं, उसमें क्या देखा था आपने कि बहुत सारे टाउन्स के उदय हुए संगम पॉलिटी के दौरान। सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी तक का जो पीरियड है हमारा साउथ इंडिया का, जिसको संगम फेज कहते हैं, उसमें जबरदस्त तरीके से क्वाइंस का, सिक्कों का उपयोग हमने देखा, टाउन्स मतलब शहरों का विकास देखा और इसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसका भी हमने काफ़ी विकास देखा और जिसके कारण से हमने देखा कि इंडो रोमन ट्रेड के दौरान बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो इंडिया के पक्ष में रहा और जो राजाओं के जो रिसोर्सेस थे उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो उस पीरियड में वाणिज्य और व्यवसाय के दृश्य अगर आप देखेंगे और नॉर्दर्न इंडिया में भी, तो बहुत ज़्यादा तरक्की हुआ था और हमने पूर्व के लेक्चर में आपको बताया कि किस तरह से बहुत सारे शहरों का विकास हुआ। अब जो सेकंड फेज है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ये पीरियड है चालुक्य और पल्लव पॉलिटी का, उसमें हम देखते हैं कि ट्रेड का पतन हो गया, व्यापार वाणिज्य का पतन हुआ, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि इंडो रोमन ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया था और तो इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि बहुत सारे टाउन जो संगम पीरियड में डेवलप हो गए थे उनका भी डिक्लाइन हो गया, क्वाइंस मतलब मनी इकोनॉमी का भी प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। तो ये मतलब ये हुआ कि ये जो पीरियड हो गया वो एग्रेरियन इकोनॉमी हो गया, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गया। इसका दोस्तों, इसका प्रभाव क्या पड़ा, लार्ज स्केल ऑफ लैंड ग्रांट्स वेयर इशू टू ब्राह्मणास,
बुद्धिस्टों को, जैना मॉन्क्स को भी दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो लैंड ग्रांट दिया गया राजाओं के द्वारा वो क्यों किसको दिया गया, ब्राह्मणों का दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी दक्षिण भारत में और डेक्कान में पूरी तरह से स्थापित हो गई इस पीरियड के दौरान में, और लैंड ग्रांट्स का इसका प्रभाव क्या हुआ, नए नए जो एरियाज थे कल्टीवेबल उसको कल्टीवेट किया गया, कृषि के योग्य उसको भूमि को बनाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे उसको ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ब्राह्मणों के द्वारा कन्वर्ट किया गया, और इन ट्राइबलों को जो कन्वर्ट हो गए थे उनसे पूरे इलाकों को, जंगलों को साफ करा करके अरेबल लैंड माने उपजाऊ भूमि के रूप में तब्दील किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पीरियड में सेटलमेंट में माने ग्रामीण आबादी में, और इसके अलावा जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई, ये लैंड ग्रांट्स का एक ज़बरदस्त फायदा हुआ। और जो फर्स्ट फेज में हम देखते हैं कि बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म और जैनिज्म, ये तीनों धर्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म थे जो नॉर्दर्न इंडिया से गए थे, अब हम क्या इस पीरियड में क्या देखते हैं, ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी, वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को सरपास कर गए थे, सब जगह उन्हीं का बोलबाला हो गया था। और इसके कारण से हमने इस पीरियड में हम क्या देखते हैं, टेम्पल का निर्माण, धरल्ले से टेम्पलों का मन मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में और डेक्कान में हुआ, चालुक्य किंगडम में भी और पल्लव किंगडम में भी। तो पहले जो है केव रॉक कट टेम्पल बनता था, तो इस पीरियड में भी रॉक कट टेम्पल बना, लेकिन अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बनने लगा बाय स्टोन, पत्थरों से फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। पहले जो टेम्पल बनाए जाते थे इस पीरियड के पहले वो पूरे के पूरे रॉक कट टेम्पल होते थे, रॉक से पहाड़ से उसको काट करके, जैसे अभी आप विदिशा के आगे आप जाएंगे उदयगिरी जो पहाड़ है उदयगिरी, तो वहाँ पर बहुत सारे केव्स देखेंगे और उसमें गुफा, और वहाँ पर रॉक को कट करके मूर्तियों का निर्माण किया गया है। लेकिन अब इस पीरियड में हम क्या देखते हैं कि हालांकि रॉक कट टेम्पल उस समय भी बन रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बनने लगा, और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था वो स्टोन का। तो ये एक सबसे बड़ी विशेषता थी। और संगम पीरियड में हमने देखा था कि उस जमाने में ड्रेविडियन कल्चर का बोलबाला था, लेकिन अब की पीरियड में हम क्या देख रहे हैं, आर्जनाइजेशन, ब्राह्मणाइजेशन, इसका बोलबाला हो गया। पहले के ज़माने में संगम पीरियड के दौरान हम देखते हैं कि प्राकृत लैंग्वेज का बोलबाला था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलता था, जो अशोक सम्राट अशोक के पिलर में आपने वहाँ भी मक्सी वगैरह में पाया जाता है कर्नाटक में, तो उसमें क्या है, प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब जो है वो ऑर्नेट संस्कृत स्टाइल, संस्कृत जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, और ब्राह्मणों के द्वारा एक से एक अच्छे अच्छे ग्रंथों का रचना किया गया, और ऑर्नेट स्टाइल ऑफ राइटिंग इन संस्कृत डेवलप हो गया, मतलब संस्कृतों में लच्छेदार भाषा का उपयोग। तो जैसे डांडिन उस जमाने के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं संस्कृत के, आप उनके अगर रचना को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से संस्कृत का विकास इस पीरियड में हुआ। तो और एक पॉइंट और है कि हिंदू ब्राह्मणाइजेशन में भी दो जो धर्म जो दो सेक्ट हैं उसका सबसे ज़्यादा बढ़ावा हुआ, पहला वैष्णविज्म मतलब वर्शिप ऑफ द गॉड विष्णु, और ये अलवर संप्रदाय के लोग थे जिन्होंने दक्षिण भारत में पूरी तरह से वो छा गए थे। इसी तरह से जो शैविज्म माने शिव गॉड शिव के जो उपासक उनको नयनार कहते हैं, तो उनके द्वारा भी
कर्नाटक और तमिलनाडु में बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। और अब ब्राह्मणाइजेशन के तहत में, हिंदुओं के तहत में जो दो इम्पॉर्टेंट सेक्ट थे, वैष्णविज्म और शैविज्म, ये पूरी तरह से दक्षिण भारत में काबिज हो गए, जो आज तक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं जो टेम्पल का, मंदिरों का विकास और आर्किटेक्चर का विकास इस पीरियड में बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ। अभी जो बादामी के पास में जो चालुक्यों का जो कैपिटल था, बादामी जिसको बातापी बोलते थे, उसके पास में ऐहोल है। तो ऐहोल में आपको 70 से ज़्यादा मंदिर मिलेंगे। ये सभी चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा, के राजाओं के द्वारा बनाया गया है। उसी तरह से हम देखते हैं कि कांची, और उन्होंने ममल्लपुरम या महाबलीपुरम जो एक पोर्ट का भी काम करता था, और वहाँ पर बहुत सारे उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है था। और अभी जो चाइनीज प्रेसिडेंट और हमारे भारत के प्रधानमंत्री दोनों महाबलीपुरम गए थे, उसको देखने के लिए आपने उन्हें टीवी में देखा होगा, और उसका बहुत शानदार जो है वह आर्किटेक्चर का नमूना है। और यहीं महाबलीपुरम में आप 7 रथ के टेम्पल भी आप पाते हैं। सोर टेम्पल भी, जो प्रसिद्ध सोर टेम्पल है, वो वहाँ पर आपको मिलेगा। तो कैलाशनाथ टेम्पल कांची में एक प्रसिद्ध टेम्पल है, जिसकी कि आर्किटेक्चर बहुत शानदार है, जिसको कि देश विदेश के सारे जो आर्ट कन्वाइजर हैं, माने आर्ट के विशेषज्ञ, उसको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मंदिरों के निर्माण में पूर्व के अपेक्षा अब बहुत ज़्यादा प्रगति इस पीरियड के दौरान हुआ। और इसी तरह से चालुक्यों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो 3 इम्पॉर्टेंट साइट था, वो एक था, पहला था ऐहोल, दूसरा था बादामी जो उनका राजधानी था, जिसको कि बातापी या बादामी दोनों एक ही है, और तीसरा पत्ता दाकल। ये 3 इम्पॉर्टेंट साइट थे जहाँ पर कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें कि विरूपक्ष मंदिर, पापनाथ मंदिर, ये सब दर्शनीय मंदिर हैं जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत के जो अरेबल लैंड थे, जो उपजाऊ भूमि था, उसका 3/5 भाग जो है ना, मंदिरों को राजाओं ने ग्रांट्स कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि आम जनता जो है ना, उन पर बहुत ज़बरदस्त टैक्स का बोझ पड़ा, और ब्राह्मणों को बहुत सारे, कम से कम 18 प्रकार के इम्यूनिटीज़, मतलब उनको विशेषाधिकार इस पीरियड में दिए गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण डोमिनेटेड समाज की स्थापना इस पीरियड के दौरान दक्षिण भारत में और डेक्कन में हो गया। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सारे पूरे अरेबल लैंड, उपजाऊ भूमि के 3/5 भाग धीरे धीरे मंदिरों के पास चले गए, तो आम जनता के पास में तो केवल 2/5 भाग ही रहा। तो इससे, जो हम बाद में बताएंगे कि पिजांट में या किसानों में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ, और कालभराज एक ट्राइब था वहाँ पर, जिसका कि बुद्धिस्ट की तरफ या बौद्ध धर्म के प्रति थोड़ा झुकाव था, उन्होंने जबरदस्त विद्रोह किया था इस पीरियड के दरमियान में। और उन्होंने बहुत सारे राजवंशों को, जैसे चोला, चेरा, पांड्या, इन सबको भी हराया था। लेकिन बाद में इन लोगों ने ज्वाइंट एफोर्ट्स करके, पल्लव और चालुक्य और पांड्या, ये तीनों ने मिल करके बहुत मुश्किल से कालभराज, जो एक पिजांट रिवोल्ट था, उसको दबाया। ये कालभराज ने जो ब्रह्मदेव विलेज थे, जो ब्राह्मणों को जो ग्रांट किए गए थे विलेज, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो हालांकि ये जो रिवोल्ट है काफ़ी दिन तक नहीं चला, इन्हें सख्ती से इन राजवंशों ने सम्मिलित प्रयास से दबा दिया गया। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि इस पीरियड में ग्रामीणों का या आम जनता का क्या स्थिति थी, क्योंकि हमें पता चलता है कि
कि राजा जो है वो लैंड टैक्स तो था, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में लेता था, इसके अलावा राजा जो है वो सीरियल माने अनाज भी लेता था, सोना भी लेता था जनता से, विभिन्न प्रकार के टैक्स भी वसूलता था। अगर सेना उनके गांव से निकलती थी तो उसके लिए बैलगाड़ी का भी इंतजाम ग्रामीणों को करना होता था। विस्टी जो मैंने आपको गुप्ता पीरियड में बताया, मैंने फोर्स लेबर मैंने जिसमें कि आप किसानों को मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती है, जिसको विस्टी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फोर्स लेबर या बेगार, ये प्रथा भी उस समय में चालू था और किसानों को मजदूरों को फ्री में काम करना होता था और राजा और उसके कारिंदे काम कराते थे। इससे किसानों की हालत दयनीय हो गई क्योंकि बहुत सारे जो टैक्सेस थे वो उन पर लाद दिए गए थे। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैंने आपको अभी फ्यूडलिज्म इन इंडिया मैंने भारत में सामंतवाद के उदय के बारे में बताया था, तो उसमें हमने क्या बताया कि राजा के नीचे सामंत था और ये सामंत महासामंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर इनकी अपनी सत्ता स्थापित हो गई थी और ये जो सामंत थे उनकी तीन ऑब्लिगेशन मात्र थे राजा के प्रति। वो क्या क्या था कि पहला कि वो राजा को एक जब युद्ध होगा तो राजा को एक फिक्स्ड मिलिट्री ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, साल में वो एक बार राजा को ट्रिब्यूट या टैक्सेस देंगे। नंबर तीन, अगर राजा को या उसके पुत्र को किसी सामंत की लड़की से शादी करना है तो उन्हें करना होगा। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो राजा की जो शक्ति थी पनिशमेंट देने की माने दंड देने की या जो टैक्स सीधे वसूलने की टैक्सेशन, वो सब किसके हाथ में चला गया, सामंतों के हाथ में चला गया। तो अब पीजांट और राजा के बीच में बहुत बड़ा जबरदस्त गैप हो गया और इसी कारण से सामंत या महासामंत या अंग्रेजी में जिसको फ्यूडिटी कहते हैं, उन्होंने किसानों का जबरदस्त शोषण किया और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे सामंत राज्य के अंदर में राज्य स्थापित कर लिया, माने स्टेट विद इन स्टेट। जैसे आपको जो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में हम बताएंगे, फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो वहाँ पर रिवोल्ट के पहले माने रिवॉल्यूशन के पहले क्रांति के पहले क्या हुआ था, जो चर्च जो हो गया था वो स्टेट विद इन स्टेट हो गया था। तो हिंदुस्तान में भी जो बहुत सारे जो सामंत थे वो अपनी सत्ता पूरी तरह से स्थापित कर लिया था और इसी का परिणाम यह है कि जब भी राजा की सत्ता कमजोर होती थी तो यही सामंत उस राजा को हटा करके स्वतः राजा बन जाते थे। और जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि जब चालुक्यों का धीरे धीरे जब चालुक्य और पल्लव दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, धीरे धीरे उनके रिसोर्सेस कमजोर होते गए तो चालुक्य के ही फ्यूडिटरी सामंत दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना किया था 757 एडी में। और इसी तरह से दोस्तों पल्लव डायनेस्टी जब कमजोर हुआ तो उनके ही फ्यूडिटरी जो चोला हो गए थे, जो पहले उनका जो मैंने अभी संगम डायनेस्टी संगम पॉलिटी में आपको बताया था कि चोला पांड्या और चेरास ये तीन महत्वपूर्ण राजवंश थे, धीरे धीरे पल्लवों के उदय के बाद में क्या हुआ, चोला पल्लव डायनेस्टी के सामंत हो गए। लेकिन जब पल्लव डायनेस्टी कमजोर हो गया तो चोला मतलब आदित्य फर्स्ट चोला ने पल्लव डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और पुनः चोला वंश की स्थापना किया और इसी राजवंश में राजराज चोला और राजेंद्र चोला जिसने कि गंगाई कोंडा की उपाधि स्थापित धारण किया था क्योंकि वो गंगा नदी तक
उन्होंने एक समय कब्जा किया था और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारे जो आज आप देख रहे हैं उन राज्यों पर उनका कब्जा हुआ था। उनका जो नौ शक्ति था वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता, वाणिज्य व्यवसाय उनके पीरियड में बहुत ज़बरदस्त चला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो फ्यूडिटरीज के द्वारा माने सामंतों के द्वारा राजा को हटा करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली जाती थी। अब मैं ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के दरमियान भी यही हुआ, 200 वर्षों के झगड़े फसाद के बाद में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी कमज़ोर हो गया और उसके जितने भी सामंत थे करीब 5-6 सामंतों ने अपनी सत्ता, जो सारे राजपूत थे उन्होंने सत्ता स्थापित कर लिया था उत्तर भारत में, और जिनका जो राजकाज करीब 200-300 वर्षों तक चला जब तक कि मुसलमानों का शासन हिंदुस्तान में काबिज नहीं हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न राजवंशों के बीच में झगड़ा फसाद हमारे हिंदुस्तान में होते रहे हैं, और जिसके इसी कारण से जब हिंदुस्तान में जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो 21 कमेटी का निर्माण हुआ था। उसमें एक कमेटी जो था वो सेंटर स्टेट रिलेशन की कमेटी थी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे। तो आप देखेंगे जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, इसकी व्याख्या मैंने प्रस्तुत किया था और उसका वीडियो भी हमारे YouTube पर डला हुआ, आप उसको जरूर देखिए। और उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सेंटर को ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हावी रहा है, और जब भी केंद्र की सत्ता कमज़ोर होती रही है तब तक जो क्षेत्रीय सत्ता है उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था स्वतः स्थापित कर लिया है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का जो 7 शेड्यूल है जिसमें कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसमें देखेंगे कि जो यूनियन लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, स्टेट लिस्ट अपेक्षाकृत कम है और यूनियन लिस्ट के तुलना में कमज़ोर है। लेकिन यही बात अगर आप अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पर स्टेट लिस्ट बहुत ज़्यादा है और यूनियनिस्ट बहुत कम है, क्योंकि वो ट्रू फेडरल है या संघीय व्यवस्था है जहाँ पर राज्यों ने मिलकर के केंद्र का निर्माण किया है। तो हमारे देश की जो परिस्थिति है, हमारे देश का जो इतिहास है वो अलग है, अमेरिका से अलग है, इसीलिए हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने अलग ढंग से संविधान का निर्माण किया है जिसमें केंद्र की सत्ता बहुत ज़्यादा मजबूत की गई है। और इसके बारे में हमारा वीडियो है, उसको आप YouTube पर देखिए। तो दोस्तों, जो चालुक्य राजा या पल्लव राजा, इनके बारे में जो उस समय के जो स्क्रिप्चर थे वो क्या बताते हैं कि इन राजाओं ने अपना जो उपाधि है वो बड़े बड़े उपाधि लिए हैं, जैसे कि धर्म महाराजा। अब इसका मतलब क्या होता है अभी मैं आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास में बताऊंगा, पुरुषार्थ में डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। तो धर्म महाराजा का मतलब क्या होता है? धर्म महाराजा का मतलब हुआ कि जो वर्ण सोसाइटी, जो डिवीजन है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जिसको जो काम निर्धारित किया गया है वो काम करे, मतलब उस काम से वो विलग नहीं हो, अलग नहीं हो। तो राजा का यह कर्तव्य है कि अगर कोई कम्युनिटी, मतलब मान लीजिए शूद्र, कोई जो काम उसे दिया गया है अगर वो काम नहीं करता या चुनौती देता है क्षत्रिय को या ब्राह्मण को, तो राजा का कर्तव्य है कि वो धर्म की स्थापना करे, मतलब उसको मजबूर करे कि तुम्हें जो काम दिया गया है वो काम करो। मतलब तुमको काम करना है, किसानी का काम करना है, तुम्हारा काम है मजदूरी करना है, तो तुम जो है वही काम करना है। मतलब वर्ण जो व्यवस्था बनाया है हिंदू स्क्रिप्चर्स में, धर्मशास्त्रों में, उसके हिसाब से राजा को शासन करना है। और अगर कोई कम्युनिटी या कोई समुदाय या कोई जाति अपने धर्म से, मतलब अपने ड्यूटी से विलग हो जाता है या डेविएट हो जाता है, तो राजा का यह कर्तव्य है कि उसको बलपूर्वक उस ड्यूटी करने के लिए मजबूर करना। ये था धर्म महाराजा का टाइटल का अर्थ। इसी तरह से आप देखते हैं जैसे मॉडर्न पॉलिटी में
हमने जो आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने क्या कहा था कि चाणक्य या कौटिल्य राजा के लिए क्या कहता है, धर्म प्रवर्तक। अब इसका माने क्या हुआ कि द किंग हु इस्टैब्लिशेज धर्म इन द सोसाइटी। अब ये देखेंगे, ये तो मतलब एक ऐसा राजा जो देश में समाज में एक जो सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको वो स्थापित करेगा, माने धर्म की स्थापना करेगा। तो धर्म प्रवर्तक का टाइटल चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में लिखता है, थ्योरी ऑफ किंगशिप ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जितने भी चालुक्य पल्लव राजा महाराजा हुए हैं वो सारे अपने टाइटल धर्म महाराजा, परमेश्वर, बड़े बड़े टाइटल उन्होंने अपने साथ लगाया हुआ है। तो बेसिक जो फंक्शन था, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो उनके लिए काम निर्धारित किया गया था, जैसे मॉडर्न पॉलिटी में निर्धारित किया गया था गुप्ता पीरियड में, उसी तरह से इस पीरियड में ब्राह्मणिकल ऑर्डर में उन्हें ये देखना था कि किसी प्रकार का जो सोशल ऑर्डर है उसमें व्यवधान उपस्थित नहीं हो, और जो हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से राजा शासन प्रशासन चलाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई कम्युनिटी, जैसे शूद्र या विभिन्न जातियां या निचले तबके के लोग, जब अपना जो उनका जो पेशा है उसको छोड़ करके डेविएट होने लगते हैं, तो आप हिंदू स्क्रिप्चर्स में कलयुग शब्द का इस्तेमाल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक धीरे धीरे समाज भ्रष्ट या करप्ट होता जा रहा है। तो राजा का कर्तव्य जो निर्धारित किया गया कि वो धर्म की स्थापना करेगा, मतलब जिसको जो ड्यूटी है उसको निर्वाह करने के लिए मजबूर करेगा, ये उसका तात्पर्य था। और इसीलिए मैंने पूर्व के वीडियो में सोशियोलॉजी की क्लास में कहा था कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह, तो उसमें मैंने बताया था कि किसी भी हिंदू स्क्रिप्चर ने अनुलोम विवाह मतलब जो ब्राह्मण अगर ग्रूम है और उसके नीचे और ब्राइड का जो वर्ण है वो उसके नीचे है तो उसको बोलते थे अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए जो ग्रूम है उसकी जो वर्ण है या जाति है, मान लीजिए शूद्र है, अगर वो वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण ब्राइड से शादी करता है तो उसको बोलते थे प्रतिलोम विवाह। तो अब अनुलोम विवाह तो उन्होंने थोड़ा मान्यता दिया भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन प्रतिलोम विवाह को उन्होंने कभी मान्यता नहीं दिया। तो अगर राजा का यह भी कर्तव्य था उस जमाने के हिसाब से कि इस प्रकार के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह या सगोत्र विवाह, इस प्रकार के विवाह नहीं हों, क्योंकि इससे समाज में जो डेविएशन पैदा होगा और जो सामाजिक संरचना हिंदुओं के द्वारा या ब्राह्मणिकल ऑर्डर में स्थापित किया गया था वो संरचना भंग होगा। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स समझ लिए हैं, और लास्ट में जो हमारा जो दो तीन पॉइंट है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पीरियड में ग्रामीण क्षेत्रों का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर चालुक्यों ने भी और पल्लव राजाओं ने ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स दिया, टेम्पल का बहुत ज़्यादा निर्माण कराया, और इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जमीन लैंड ब्राह्मणों के पास चले गए, टेम्पल के पास चले गए। तो जिस तरह से फ्रांस की क्रांति के पहले हमने क्या देखा था कि एक वट जो पूरे फ्रांस का जो जमीन है वो 1/3 भाग चर्चों के पास चला गया था, 1/3 भाग नोबल्स के पास चला गया था, और सिर्फ 1/3 भाग में पूरी जनसंख्या थी। तो इससे असंतोष और क्षोभ उत्पन्न हुआ और बाद में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसके बारे में हम अलग से वीडियो आपको बताएंगे। तो यहाँ भी हम यही देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि 2/5 3/5 भाग लैंड जो है वो टेम्पल्स के पास चला गया, और ये टेम्पल्स के कारिंदे कौन थे? ब्राह्मण थे। इसके अलावा बहुत सारे ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स पृथक से दिए गए, तो आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि आम जनता के लिए कितना जमीन बच गया। और इसी कारण से
जो काल भराज का जो जो एक ट्राइबल कम्युनिटी था, बाद में पिजांट्स हो गया, माने किसान हो गया, उसको ब्राह्मणों ने किसान बनाया, तो उनके द्वारा चालुक्य किंगडम में भी और पल्लव किंगडम में भी, पांड्या किंगडम में भी जबरदस्त विद्रोह हुआ 30-40 साल तक। हालांकि उस विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन इसका इफेक्ट बाद के वर्षों में जरूर पड़ा। तो अब जो ये जो पीरियड है उसमें हम क्या देखते हैं कि पूरी तरह से ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी और डोमिनेंस इन दोनों राज्यों में स्थापित हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो जमीन जो अभी तक जंगल से आच्छादित थे, अनकल्टिवेबल लैंड थे, कृषि वहाँ नहीं होता था, उन जमीनों को भी उपजाऊ बनाया गया, खेती योग्य बनाया गया, और बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उसको ब्राह्मणाइज किया गया, उनको हिंदू धर्म में, जो बाद के वर्षों में आप 100-200 वर्षों के बाद में हिंदू धर्म कहेंगे, तो उसको ब्राह्मणाइज करके उन एरिया में उनसे काम लिया जाने लगा, मैंने मजदूरी कराने किया जाने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंड सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट में काफ़ी वृद्धि हुई, एक्सपेंशन हुआ, और पुरोहितों ने जो सारे मामले में अधिकांश मामले में ब्राह्मण ही हुआ करते थे, उन्होंने राजाओं के जो ट्राइबल्स थे, बहुत सारे ट्राइबल्स थे जो अपने आप को ब्राह्मण स्थापित घोषित कर लिए थे, उनका भी जेनोलॉजिकल टेबल या वंशावली तैयार करने का काम ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। तो इस पीरियड में हम क्या देखते हैं दोस्तों, जिस तरह से उत्तर भारत में हम देखते हैं क्षत्रियों का वैश्यों का बहुत ज़्यादा बोलबाला, तो उत्तर भारत में जो वर्णों का जो सिस्टम है उसमें क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन जब दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर क्षत्रियों का कोई बोलबाला नहीं है, मतलब वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्राह्मण सब कुछ है, और उसके बाद जो सेकंड है पोजीशन में वो है पिजांट्री, जो इन मैक्सिमम केसेस या तो ट्राइबल ग्रुप हैं या शूद्राज हैं। तो वैश्यों का भी बहुत कम वहाँ महत्व था, और क्षत्रियों का तो कमोबेश बहुत ही कम था। और यदि अभी मैंने आपको बताया कि मॉडर्न पीरियड के अवसान होने के बाद में, सातवाहन पीरियड के समाप्ति होने के बाद में, दक्षिण भारत और डेक्कन में एक समय ऐसा आया जहाँ पर कि 27 और पूरे भारतवर्ष में अगर मिला दें तो 27 राजवंश के फाउंडर्स अपने आप को ब्राह्मण कहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर भारत डेक्कन में और दक्षिण भारत में सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मिन्स स्थापित हो गया था। और इस पीरियड के दौरान जैसे मैंने बताया क्षत्रियों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं था जैसा कि उत्तर भारत में था। अब दोस्तों हम जो एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन चालुक्य एंड पल्लवास पल्लव डायनेस्टी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कन्फ्लिक्ट ये झगड़ा फसाद 200 वर्षों तक चला, और इसी झगड़ा फसाद के चक्कर में दोनों राजवंश समाप्त हो गए, और उनके जो सामंत थे वो उनके राज्य को कब्जा कर लिया। तो जो चालुक्य और पल्लव डायनेस्टी का जो बोन ऑफ कंटेंशन था, मैंने झगड़ा फसाद का जो जड़ था वो क्या था, कृष्णा और तुंगभद्रा, एक इसका जो दोआब, ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, उसको कब्जा करने का दोनों राजवंश का सबसे पहला उनका उद्देश्य रहता था। उसी कारण से कभी चालुक्य डायनेस्टी के राजा पल्लव राजाओं को हराते थे, कभी पल्लव डायनेस्टी के राजा चालुक्यों को हराते थे। तो ये जो द्वाब पर कब्जा करने का सबसे पहला उनका उद्देश्य होता था। हालांकि दोनों डायनेस्टी ब्राह्मणिकल ऑर्डर के सबसे जबरदस्त समर्थक थे, दोनों डायनेस्टी ने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया, दोनों डायनेस्टी में पुरोहितों का बोलबाला था, बुद्धिज्म और जैनिज्म अब साइडलाइन हो गया था, दोनों डायनेस्टियों के द्वारा अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ, जो मैंने आप वैदिक जो हमारा वैदिक पीरियड पर वीडियो है 4 और एक वैदिक लिटरेचर पर मैंने 5, उसको आप देखिए कि प्राचीन भारत में वैदिक पीरियड में
तीन प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, और वो एक था अश्वमेध, एक था वाजपेयी और तीसरा था राजसुई। अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। जैसे कि आपने रामायण काल में भी देखा होगा कि जब लॉर्ड राम श्रीलंका से विजय होने के बाद में आए तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसमें यह होता था कि वो घोड़ा छोड़ा था और जिस इलाके उसके साथ में सेना भी चलता था, और इसका मकसद ये था कि जहाँ जहाँ वो घोड़ा जा रहा है वहाँ वहाँ उसकी सत्ता स्थापित हो दी जाती है। अगर दूसरे राज्य अगर उसका विरोध करते हैं तो फिर उन्हें युद्ध करना होगा। उसी तरह से वाजपेयी यज्ञ भी होता था जिसमें कि चैरियोट रेसिंग किया जाता था, और इसका मकसद ये था माने रथ का रेस। उस जमाने में आपने देखा होगा कि रथ सेना भी होता था जो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में भी चलता रहा, जिसके बारे में प्लिनी ने बताया था। खैर, तो तीन प्रकार के यज्ञ होते थे, और ये तीनों यज्ञ चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा और पल्लव डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा किया जाता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियोलॉजिकल स्तर पर दोनों में किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं था, लेकिन जो बोन ऑफ कंटेंशन था, जो लड़ाई का जो मेन बिंदु था, वो था इकोनॉमिक रिसोर्सेस, उपजाऊ भूमि। और उपजाऊ भूमि सबसे जो था वो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो इलाका जिसको कि दोआब कहते हैं, और इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी का भी इलाका बाद के वर्षों में। और यही कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर का जो दोआब है बाद के वर्षों में हम बताएंगे आपको किस तरह से बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य ये दोनों में जो लड़ाई हुए हैं वो इसी दोआब को लेकर के, इसी दोआब पर सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए बाद के वर्षों में 500-600 वर्षों के बाद में हुए हैं। उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में जो हम बताएंगे। तो दोस्तों जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चालुक्य डायनेस्टी में चालुक्यों में जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट राजा था वो कौन था, पुलकेसिंह सेकंड। मैं जानबूझ करके पॉलिटिकल हिस्ट्री पर ज़्यादा इम्फेसिस नहीं देता हूँ कि वो किस राजवंश के थे, किसका कौन कौन पुत्र था, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी चालुक्यों के ओरिजिन के बारे में हम देखेंगे तो उस समय के ज़माने के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे जो कोर्ट पोएट होते थे, जैसे पुलकेसिंह द्वितीय के सेकंड में जो कोर्ट पोएट था वो था, उसका नाम था रवि कीर्ति। अब ये रवि कीर्ति ने ऐहोल इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ, तो आपको मैंने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे टेम्पल हैं, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, और ये बेसिकली जो है वो संस्कृत में लिखा गया है और ईओलॉजी है, मैंने प्रशंसा पत्र है पुलकेसिंह सेकंड का, इस वंश का। तो आप देखेंगे कि पुराने ज़माने में राजा अपने पास में कोर्ट पोर्ट रखता था जो उसकी बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में लिखवाया जाता था। जैसे कि अकबर के समय में उसने अपने मित्र अबू फजल को इसके लिए सौंपा था, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, आयने अकबरी जिसने लिखा। तो उसी तरह से पुलकेसिंह सेकंड इस वंश का, चालुक्य वंश का सबसे बड़ा प्रतापी महाराजा हुआ, और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो रवि कीर्ति जो उनका कोर्ट था उसने ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पूरे संस्कृत में इसकी व्याख्या प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। अब जैसे कि चालुक्य के ओरिजिन के बारे में आप अगर पता लगाने जाएंगे तो विभिन्न प्रकार के आपको उसके ओरिजिन मिलेंगे। तो जैसे कि ये हिंदुस्तान के हर एक राजवंश के साथ में लागू है, अधिकांश राजवंशों के साथ। तो जैसे कि इन्होंने अपने आप को ये बताया कि हम लोग अयोध्या के वासी थे, हम जो है वो हमारा जो वंश था वो एक समय में अयोध्या में शासन करता था, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ये कहना है
कि वो लोकल ही पीपुल थे, कन्नरीज पीपुल थे, कन्नर लोग थे, जो बाद में धीरे धीरे सातवाहनों के जो फ्यूडिटी थे, सामंत थे, और धीरे धीरे सत्ता उन्होंने बढ़ाते गए, और जो जो सातवाहनों का साम्राज्य का विघटन होता गया, उन्होंने अपने सत्ता वो बढ़ाते गए, और एक समय में आकर के उन्होंने छठी शताब्दी एडी में जाकर के उन्होंने पूरे डक्कान पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। तो पुलकेसिंह सेकंड जो हर्षवर्धन का समकालीन था, हर्षवर्धन इसके बारे में भी हम बताएंगे आपको एक दिन। हर्षवर्धन का समकालीन था, और हमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलता है कि पुलकेसिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर हराया था। इसका मतलब यह हुआ कि हर्षवर्धन जो साउथ इंडिया में डक्कान में अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे, उस पर लगाम किसने लगाया? पुलकेसिन द्वितीय ने। ठीक है, तो पहला तो यह काम हुआ। दूसरा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें यह भी जानकारी मिलती है कि पुलकेसिन ने जो लोकल जो छोटे छोटे राज्य थे, जैसे कदम राज्य, कदम, पुलकेसिन द्वितीय का समय है 609 एडी से 642 एडी। तो पुलकेसिन सेकंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया, उन्होंने कदम रूलर को जो नॉर्थ ऑफ मैसूर था उनको भी हराया, उसके अलावा उन्होंने गंगा डायनेस्टी के राजाओं को हराया, जो कि उनका जो इलाका था वो नॉर्थ ऑफ मैसूर था, उसको भी हराया, और इसके अलावा उन्होंने पूरे कृष्णा और गोदावरी का जो बीच का जो बेसिन है उसको भी, वहाँ को भी अपने राज्य में मिला लिया उन एरियाओं को, और उन्होंने अपने भाई को वहाँ पर स्थापित किया जिसको कि बाद में ईस्टर्न चालुक्य, मतलब पूर्वी चालुक्य कहते हैं, और इसकी जो राजधानी थी वो बेंगी राजधानी स्थापित किया। बाद में ये ब्रांच जो है ना काफ़ी दिनों तक चला। वेस्टर्न चालुक्य का जो उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं उसको वेस्टर्न चालुक्य भी कहते हैं। तो इनका तो धीरे धीरे अवसान हो गया, लेकिन ईस्टर्न चालुक्य उसके बाद भी 200 वर्षों तक चला। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने कांची पर भी अटैक किया। कांची मतलब पल्लव की राजधानी, और वर्चुअली वो कांची तक पहुँच गए थे, लेकिन बाद में पल्लव राजाओं ने उनको नॉर्दर्न इलाका, जो पल्लवों का जो नॉर्दर्न इलाका था, मतलब चालुक्यों का दक्षिणी इलाका होगा, कुछ एरिया उन्होंने छोड़ दिया, और जिसके आधार पर फिर दोनों में ट्रूस मतलब समझौता स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पुलकेसिंह सेकंड के समय में उन्होंने दोबारा से पुनः लगभग 642 जो ये पीरियड है 642 एडी में पुनः उन्होंने जो है पल्लव किंगडम पर हमला किया, लेकिन इस बार जो है वो सफल नहीं हुए। उस समय पल्लव का जो महाराजा था वो था नरसिंह वर्मन सेकंड, और ये जो इनका अभियान था पल्लव किंगडम को मिलाने का वो बुरी तरह से असफल हुआ, और उसके बाद में इनको रिट्रीट करना पड़ा। नरसिंह वर्मन सेकंड इनका पीछा करते करते बातापी मतलब बादामी इनके राजधानी तक पहुंच गया, और इतिहासकारों का कहना है कि उन्होंने पुलकेसिंह द्वितीय की हत्या कर दिया, माने युद्ध में वो मारे गए। और इसके अलावा इसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड ने बातापी कोंडा मतलब विक्टर ऑफ बातापी कोंडा की उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन सेकंड, ये घटना 642 एडी में हुआ। तो इस तरह से पुलकेसिंह सेकंड का जो राज्य है माने जो उनका पीरियड है वो समाप्त हो गया। इसके बाद दोस्तों बहुत दिनों तक पल्लव और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में शांति स्थापित रही, लेकिन
733 से 745 ईस्वी के बीच में, 733 से टू 745 एडी के बीच में ये चालुक्य के राजा विक्रमादित्य सेकंड, इन्होंने तीन बार कांची पर मैंने पल्लव की राजधानी पर हमला किया और 740 में पूरी तरह से पल्लव राजवंश को, उसकी शासन व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो जिसके कारण से इस घटना के बाद से पल्लव राजवंश कभी भी दक्षिण भारत में ताकतवर नहीं हो पाया। हालांकि एक छोटे राज्य के रूप में करीब 100 वर्ष तक वो चले, लेकिन इसके बाद से जैसे मैंने अभी बताया जो उनका फ्यूटिटरी था सामंत चोलास, वो आदित्य फर्स्ट चोला के नेतृत्व में ये पूरा इलाका जो पल्लव का इलाका था उस पर उनका शासन स्थापित हो गया और जो करीब 200-300 वर्षों तक चला। इसी तरह से हम देखते हैं कि हालांकि विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लवों के राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, लेकिन इस अभियान में जो इन्होंने पल्लवों के खिलाफ में इतना जबरदस्त 3-4 बार अभियान किया, उससे उनके रिसोर्सेज खुद कमजोर हो गए और इसका फायदा उठाया उन्हीं का फ्यूडिटरी, उनका सामंत दंती दुर्ग ने, जो बाद में 757 ईस्वी में 757 ईस्वी में उन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की स्थापना किया, जो उत्तर भारत और दक्षिण डेक्कान में एक मजबूत शासन केंद्र स्थापित हुआ जो लगभग 200 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष को प्रभावित करता रहा। उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि चालुक्य और पल्लव राज्य व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आए, जो फर्स्ट फेज में के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में मैंने बताया। अब उसके बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में बताया और दोनों राजवंशों के बीच में 200 वर्षों तक लड़ाई झगड़ा होने के कारण से उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा वो भी बताया और इसके अलावा ये भी बताया कि किस प्रकार से विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था विकसित हो गया था, इवॉल्व किया था, जिसमें राजा के अंदर बहुत सारे राजा उत्पन्न हो गए थे और जो इसी ताक में लगे रहते थे कि राजा कब कमजोर होगा, महाराजा कब कमजोर होगा और मैं उसके गद्दी को हथिया लूं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्टेट विद इन स्टेट की स्थापना दक्षिण भारत में और डेक्कान में हो गई थी और ये क्यों हुई, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया, इन नॉर्दर्न इंडिया एंड ऑल्सो इन डेक्कान एंड साउथ इंडिया। तो सामंतवाद ने जो केंद्रीकृत व्यवस्था जो मॉडर्न पीरियड में लागू था उसको क्या किया, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, उसको केंद्रित कर दिया और हिंदुस्तान की जो एकीकृत सत्ता थी मौर्यों के पीरियड में उसमें बहुत कमी आई और ये राजपूतों के पीरियड में भी चलता रहा और इसी कारण से हम देखेंगे कि जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ जो मैंने कल बताया था परसों, तो पूरा देश एकीकृत या एक जगह यूनाइटेड नहीं हो पाया, उन्होंने मुकाबला नहीं किया और इसके कारण से हमारा देश गुलाम हो